रामभद्र अर्थात शुभ राम, रामचंद्र अर्थात चंद्रमा जैसे सौम्य राम, राजीव लोचन अर्थात कमल नेत्र, श्रीमते अर्थात सभी द्वारा पूजनीय, राजेंद्र अर्थात प्रभुओं के स्वामी, रघुपुंगव जानकी वल्लभ अर्थात जानकी जिनकी पत्नी है, जैत्र अर्थात विजय का प्रतीक, जितमित्र अर्थात शत्रुओं को पराजित करने वाले, जनार्दन अर्थात जो बार बार जन्म से मुक्ति प्रदान करता है, विश्वामित्र प्रिया अर्थात विश्वामित्र के प्रिय, शरण त्राण तत्पर अर्थात अपने भक्तों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, वली प्रमथना अर्थात वली का वध करने वाले, शाश्वत अर्थात शाश्वत, दंता अर्थात अविचलित, वैगमाइन अर्थात प्रवक्ता, सत्यवाचे अर्थात सत्य बोलने वाले, सत्य विक्रम अर्थात सत्य रूप से शक्तिशाली, सत्यव्रत अर्थात सत्य को तपस्या के रूप में अपनाना, व्रतधर अर्थात तपस्या करना, सदा हनुमदाश्रित अर्थात हनुमान पर निर्भर, कौशल्या अर्थात कौशल्या के पुत्र, खर ध्वंसिने अर्थात खर का वध करने वाले, विराद वध अर्थात विराद को मारने में माहिर, विभीषण परित्रात्रे अर्थात आश्रय प्राप्त विभीषण, हर को दंड राम अर्थात धनुष के साथ राम, सप्त ताल प्रभेत्रे अर्थात सात कथा वृक्षों को तोड़ने वाले, दशग्रीव शिरोहरा अर्थात दस सिर वाले रावण का वध करने वाले, जागदगन्य महादर्प दलाना अर्थात जमदग्नि के पुत्र के अहंकार को नष्ट करने वाले, तातकंटक अर्थात तातका का वध करने वाले, वेदांत सार अर्थात दर्शन का सार, वेदात्मने अर्थात वेदों की आत्मा, भाव रोगस्य भेषज अर्थात संसारिक रोगों से मुक्ति दिलाने वाले, दूषण त्रिशिर रोहंत्रे अर्थात दूषण त्रिशिरा का वध करने वाले, त्रिमूर्तिये अर्थात त्रिमूर्ति के रूप वाले, त्रिगुणात्मक अर्थात तीनों गुणों से युक्त हैं, त्रिविक्रम अर्थात तीन लोकों के विजेता हैं, त्रिलोकाट माने अर्थात तीन लोकों के स्वामी, त्रिलोक रक्षक अर्थात तीनों लोकों के रक्षक, दंडकारण्य कर्षणा अर्थात जिसने दंडक वन को महान बनाया, अहिल्या शप शमना अर्थात अहिल्या के श्राप से मुक्ति दिलाने वाले, पितृभक्त अर्थात पिता के प्रति समर्पित, वर प्रदा अर्थात सभी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तरदायी, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले, जगत गुरावे अर्थात ब्रह्मांड के आध्यात्मिक शिक्षक, रक्षा वानर संग तिने अर्थात सुअरों और बंदरों का उद्धार करता, चित्रकूट समाश्रय अर्थात चित्रकूट की सुंदरता में लीन, जयंत्र त्राण वरदा अर्थात जयंत को बचाने के लिए वरदान देना, सुमित्रा पुत्र सेविता अर्थात सुमित्रा के पुत्र द्वारा पूजित, सर्व देवादिदेव अर्थात देवों के देव, मृत वनराजीवन अर्थात मृत बंदरों को पुनर्जीवित करने वाले, माया मारीचा हंत्रे अर्थात काल्पनिक मारीच का वध करने वाले, महादेव अर्थात देवों के देव, महाभुजा अर्थात विशाल आकार के कंधे वाले, सर्वदेव स्तुता अर्थात सभी दिव्य प्राणियों के द्वारा पूजित, सौम्य अर्थात हमेशा मुस्कुराने वाले और सौम्य रहने वाले, ब्रह्मण्य अर्थात सर्वोच्च देवत्व, मुनि सम स्तुता अर्थात ऋषियों द्वारा पूजित, महायोगिनी अर्थात महान ध्यानी, महोदरा अर्थात बहुत उदार, सुग्रीव पसिता राज्यदा अर्थात सुग्रीव के लिए उसका राज्य पुनः प्राप्त करना, सर्व पुण्याधिक फला अर्थात प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, स्मर्त सर्व घनाशन अर्थात पापों का नाश करने वाले, आदि पुरुष अर्थात आदिम अस्तित्व, परम पुरुष अर्थात सर्वोच्च प्राणी, महापुरुष पुण्योदय अर्थात अमरता प्रदान करने वाला, पुराण पुरुषोत्तम अर्थात पुराणों के सर्वोच्च पुरुष, स्मित वक्त्र अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिताभाषिणी अर्थात कम बोलने वाले, राघव अर्थात रघु जाति के नाम पर, अनंत गुण गंभीरा अर्थात गुणों से संपन्न, धीरोदत्त गुणोत्तम अर्थात बहादुर फिर भी दयालु, माया मानुष चरित्र अर्थात मानव रूप धारण करना, महादेवादि पूजिता अर्थात शिव और देवताओं द्वारा पूजित, सेतुकृत अर्थात पुल का निर्माता,
जितवर शाय अर्थात समुद्र को जीतने वाला, सर्व तीर्थ में अर्थात पूर्णतः पवित्र जल, हरि अर्थात सर्वव्यापी, श्यामांग अर्थात गहरे रंग के, सुंदरा अर्थात सुंदर, शूरा बहादुर, पीतवस्या अर्थात पीले वस्त्रधारी, धनुर्धर सर्वज्ञ देव अर्थात सभी यज्ञों के स्वामी, यज्ञ अर्थात जो यज्ञ करते हैं, जरा मराना वर्जिता अर्थात जिसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है, विभीषण प्रतिष्ठात्रे अर्थात विभीषण को लंका के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले, सर्व पागुणा वर्जिता अर्थात बुरे गुणों का नाश करने वाले, परमात्मने अर्थात सर्वोच्च, पर ब्राह्मणे अर्थात सर्वोच्च देवता, सच्चिदानंद विग्रह अर्थात शाश्वत आनंद का रूप, परम ज्योतिषे अर्थात सबसे अधिक ज्योति वाले, परम धामने अर्थात वैकुंठ के भगवान, प्रकाश अर्थात उज्ज्वल, परात्म पारा अर्थात महानतम में भी महानतम, परेशा अर्थात प्रभुओं के स्वामी, पराग अर्थात गरीबों का उत्थान करने वाले, पैरा अर्थात परम, सर्व देवात्मक अर्थात सभी देवताओं में निवास करने वाले, परिस्मय अर्थात सबसे श्रेष्ठ, जय सियाराम।